बॉयज एंड एंड गर्ल्स वेलकम टू असलाई YouTube चैनल आज हम यूज करने वाले हैं लिलिगो का आई ओ टी डेवलपमेंट बोर्ड एज ए जी पी एस ट्रेकर ऑन दिस डिवेल्पमेंट बोर्ड थी एस पी थर्टी टू वाई फाई प्लस ब्लूटूथ मॉड्यू दिम सेवन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड जी एच फोर जी एल टी ई मॉड्यूल एंड अ जी पी एस एंटनाडी वायर ऑफ यूगाइ तो आप लोगों को एक भी वायर कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है बस आप लोगों ने इसमें प्रोग्राम को अपलोड करना है एंड देन यू कैन यूज इट जी पी एस ट्रेकर इस बोर्ड पे आप लोगों को बैटरी होल्डर भी मिलता है लिथियम आयन बैटरी के लिए विच मेक्स दिस आई ओ टी डिवलपमेंट बोर्ड परफेक्ट फॉर द वहीकल ट्रैकिंग एप्लीकेशंस और अगर आप इस बोर्ड को रिमोट लोकेशंस पे यूज़ करना चाहते हैं सेंसर्स मॉनिटरिंग के लिए या लोड्स को कंट्रोल करने के लिए तो फिर आप ये बैटरी यूज करके आप उन सेंसर्स को पावरअप कर सकते हैं इस बोर्ड को अप कर सकते हैं विच इज़ ग्रेट इस आई ओ टी डेवलपमेंट बोर्ड पर मैं ऑलरेडी एक गेटिंग स्टार्ट वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने ऑलरेडी इसके टेक्निक स्पेसिफिकेशन को भी एक्सप्लेन किया है इसके ऑन बोर्ड कंपोनेंट्स को भी एक्सप्लेन किया है और इसको मैंने प्रैक्टिकली यूज़ किया है कुछ लोड्स को कंट्रोल करने के लिए और लोड्स को कंट्रोल करते टाइम मैंने कुछ फीडबैक महजेज भी जनरेट किए थे जस्ट टू तो कन्फर्म के विद दैट पार्टिकुलर लोड इज टेंट ऑन और टेंट ऑफ तो प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन के दौरान मैंने एल को यूज़ किया था आप एल को रिप्लेस करके रिलेज भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप लोगों ने हाई वोल्टेज और हाई एम्स के लोड्स को कंट्रोल करना है इसके साथ साथ मैंने सेंसर को भी मॉनिटर किया था मैं कुछ कमांड सेंड करता था और फिर मुझे कंट्रोल जो है बैक करता था सेंसर की वैल्यू के साथ तो जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया आप लोगों को किसी भी किस्म की वायरिंग की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस बोर्ड पर आपको सब कुछ ऑलरेडी प्री वायर्ड मिलता है बस आप लोगों ने इसमें प्रोग्राम को अपलोड करना है और आप इसको एस ए जी पी एस ट्रेकर यूज़ कर सकते हैं सो so, सिर्फ ये नहीं हम ये भी देखेंगे कि आया ये रूम के अंदर से जी पी एस सेटेलाइट के साथ कनेक्ट होगा या नहीं होगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ ऐसे मॉड्यूल्स हैं अगर आप उनको रूम के अंदर यूज़ करेंगे मैं जी पी एस की बात कर रहा हूँ अगर आप उसको रूम के अंदर यूज़ करेंगे तो फिर वो सैटेलाइट के साथ कनेक्ट नहीं होता फिर आपको उसे बाहर लेके जाना पड़ता है और फिर वो कनेक्ट होता है ये चीज़ मैंने देखी है जब मैं आ, नियो का सिक्स एम जी पी एस मॉडल यूज़ कर रहा था तो अगर आप लोगों ने नियो का सिक्स एम जी पी एस मॉडल यूज़ किया है तो आप लोगों को पता चल गया होगा तो कुछ ऐसे मॉडल्स हैं जिन्हें हमें बाहर लेके जाना पड़ता है और फिर वो कनेक्ट होते हैं एंड स्टिल वो कम से कम दस से पंद्रह या कुछ केसेस में तो थ्री मिनट्स भी वो ले लेते हैं कनेक्ट होने में तो हम ये जी पी एस देखेंगे कि कितने टाइम में कनेक्ट होता है या कनेक्ट नहीं होता है रूम के अंदर से और फिर हम इसे बाहर भी लेके जाएंगे और हम देखेंगे प्रैक्टिकली कि क्या हम इसको रियल में यूज़ कर सकते हैं किसी गाड़ी को ट्रैक करने के लिए तो मैं इसे कार में यूज़ करूँगा फिर हम उसे ट्रैक करेंगे और आगे बढ़ने से पहले आई एम गोइंग टू फिक्स दिस आई टी डेवलपमेंट बोर्ड और जी पी एस एंटना अंद एक एक शीट क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये जी पी एस एंटना जो है आई ओ टी डेवेलपमेंट बोर्ड के ऑन बोर्ड कंपनीज के साथ शार्ट हो क्योंकि जब मैं इसे मूव करूंगा तो इसमें हाई प्रॉबलिटी है कि ये इसके साथ टच हो तो हम इसको एक शीट पर फिक्स करेंगे और उसके बाद फिर हम कंटिन्यू करेंगे सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने आई डेवलपमेंट बोर्ड और जी पी एस एंटिना को शीट पे फिक्स कर लिया है और आई थिंक अब इट्स क्वाइट सेफ अब जो जी पी है ये ऑन बोर्ड कंपनीज के साथ शॉर्ट नहीं होगा एंड एंड नाउ लेट्स गो टेक अ लुक एट द प्रोग्रामिंग सो सोईज ये है जी पी एस ट्रैकर का प्रोग्राम और ऑलमोस्ट एटी परसेंट ऑफ दिस कोर्ट इज़ फ्रॉम माई गेटिंग स्टार्टड वीडियो तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप मेरी प्रीवियस वीडियो जो है वो लाजमी देखें ये वो सेम लाइब्रेरीज़ है जो मैंने प्रीवियसली यूज़ किए हैं और इस बार मैं जी पी एस यूज़ कर रहा हूँ तो मैंने ये लाइब्रेरी भी एड की है तो इसको किस तरह से एड करना है और वीनो आई डी में काफ़ी सिंपल है आप लोगों ने इसको कॉपी करना है फिर आप लोगों ने जाना है स्केच के मेन्यू में यहाँ से इंक्लूड लाइब्रेरी में और क्लिक ऑन द मैनेज लाइब्रेरीज़ पेस्ट द लाइब्रेरी नेम इन सर्च बॉक्स तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी ये लाइब्रेरी जो है इंस्टॉल की हुई है ये प्रोग्राम आप मेरे वेबसाइट इलेक्ट्रॉनिक क्लिनिक से डाउनलोड कर सकते हैं मैंने ऑलरेडी इस प्रोग्राम को अपलोड किया हुआ है सो so विट्सिंग तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा ट्रैकर बिल्कुल रेडी है मैंने इसमें जोंग की सिम डाली है आप इसकी जगह पे यूफोन की सिम भी यूज कर सकते हैं ये बिल्कुल अभी रेडी है और जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया इस जी ट्रैकर पे आपको कोई भी वायरिंग की जरूरत नहीं आप देख सकते हैं सब कुछ ऑलरेडी हो चुका है बस हमने सिर्फ और सिर्फ प्रोग्राम को अपलोड किया है एनी वे अब हम इसे ऑन करते हैं और देखते हैं जब ये आई ओ टी डेवलपमेंट बोर्ड या ये जी पी एस ट्रेकर जो है जब रूम के अंदर होता है तो ये कितना टाइम लेता है जीपीएस सेटेलाइट के साथ कनेक्ट होने में तो लेट्स गो हेड एंड टर्न ऑन दिस बोर्ड यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जीएसएम नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो चुका है जिसका मतलब ये है कि अब हम इसको एस एम एस सेंड कर सकते हैं और ये हमें रिप्लाई बैक करेगा मैं कहूँगा कि दिस इज सिंपली माइंड ब्लोइंग क्योंकि ये रूम के अंदर है एंड इट टुक अराउंड टू मिनट्स टू कनेक्ट टू द जी पी एस सेटेलाइट क्योंकि मोस्टली जब मैं जी पी एस मॉड्यूल्स को यूज़ करता हूँ तो अक्सर वो रूम के अंदर से कनेक्ट नहीं हो पाते एंड फिर मुझे उनको बाहर लेके जाना पड़ता है और फिर वो कनेक्ट हो जाते हैं लेकिन स्टिल वो तकरीबन तो कभी कभी 10 मिनट या 15 मिनट्स और कुछ केसेस में तो इवन तीस मिनट्स भी लग जाते थे जी पी के साथ कनेक्ट होने में और अगर आप लोगों ने स्पेशली न्यू सेक्स एम का जी पी मॉडल यूज़ किया है तो आप लोगों को समझ आ गई होगी खेर इस केस में एट अराउंड टू मिनट्स और अब ये जी के साथ कनेक्टेड है जी पी के साथ कनेक्टेड है और अब हम ऐसे कमांड सेंड करके हम लोकेशन को रिक्वेस्ट कर सकते हैं सो लेट्स गो अहेड एंड रिक्वेस्ट द लोकेशन तो चलिए चलते हैं हम कमांड लिखते हैं और इसके लिए जो हमारे पास कमांड है वो है लोकेशन तो हमने सिंपली लोकेशन का कमांड सेंड करना है तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसने मुझे गूगल मैप का यू लिंक जो है वो सेंड कर दिया है आप देख सकते हैं इसमें लेटीट्यूड और लॉन्ग भी है तो हम क्या करेंगे अभी हम इस लिंक को जो है वो ओपन करते हैं दिस इज आई मीन सिंपली माइंड ब्लोइंग अच्छा ये जो है आ, हमारा घर है और अभी मैं इस आ, पीछे वाले कमरे में हूं तो इसने बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन को पिन पॉइंट किया हुआ है हाईली एक्यूरेट है एंड आई एम टोटली शॉक्ड इसकी एक्यूरेसी को देख के क्योंकि इससे पहले मुझे इतने लेवल पे एक्यूरेसी कभी भी नहीं मिली वो हमेशा छः सात आठ मीटर तक उसकी एक्यूरेसी होती थी वो आप देख सकते हैं ये बहुत ही ज़बरदस्त है आलमोस्ट तकरीबन फोर से फाइव फीट के बीच में इसकी एक्यूरेसी है आई एम टोटली शॉक्ड बहुत 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 ही ज़बरदस्त है मैंने इस लेवल पे इसकी एक्यूरेसी को एक्सपेक्ट नहीं किया था क्योंकि मैं भी इसको पहली बार ही चेक कर रहा हूँ और दिस इज़ सिंपली माइंड ब्लोइंग तो मेरे फ्रेंड्स जैसे कि आप लोगों ने देखा जो इंडोर टेस्ट है वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा और अब मेरा भाई जो है इस जी पी एस को किसी रैंडम लोकेशन पे ले लेके जाएगा और फिर मैं इसे ट्रैक करूंगा तो अगर हम इसे ट्रैक कर पाते हैं तो फिर हम इसे व्हीकल ट्रैकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं जिन्हें हम ट्रेक करना चाहते हैं वो हम ट्रेक कर सकते हैं तो अभी ये जाएगा कार में किसी ऐसी जगह पर जिसका मुझे आइडिया नहीं होगा हम कमांड uh, को सेंड करेंगे फिर कंट्रोलर हमें जीपीएस लोकेशन जो है वो सेंड करेगा और फिर हम उस लोकेशन पे जाएंगे। सो so, फवाद आप इसको लेके जाओ सो ऑलमोस्ट थर्टी मिनट्स हो गए हैं कि मेरा भाई गया है और अभी हम इसको कमांड सेंड करते हैं और देखते हैं वो किस लोकेशन पे है सो so जैसे कि आप देख सकते हैं हमें गूगल मैप्स का यू आर लिंक जो है वो मिल गया है तो हम इसे ओपन करते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लोकेशन सो so, अच्छा ये इस लोकेशन का मुझे पता है ये कहाँ पर है तो अभी हम इस लोकेशन पे जाते हैं और देखते हैं कि आया कार जो है इस लोकेशन पे है या नहीं है तो मैं यहाँ से सिंपली अभी अगर आप देखें तो मैं अभी इस जगह पे हूँ राइट right? और हमने यहाँ से जाना है हाँ uh, इस लोकेशन पे तो गेट डायरेक्शंस और जी ये हमारे पास है रास्ता तीन मिनट का रास्ता है तो मैं जाऊंगा बाइक पे मैंने अपने कज़न आज़ान खान को बुला लिया है तो अभी हम चलते हैं और देखते हैं कि कार इस लोकेशन पे है या नहीं है सो लेट्स गो हेड तो गाइस हम डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हैं कार जो है वहाँ पे खड़ी है काफ़ी दूर आया है यार ये और ये लो जी हमने कार को जो है वो ट्रैक कर लिया है और इसने बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन को पिन पॉइंट किया था और ये रहा फवाद तो जी ट्रैकर एकदम बढ़िया काम कर रहा है हमने इसकी जो है ट्रैकिंग कर ली है काफ़ी सक्सेसफुली और मैं आया था अपने कज़न के साथ बाइक पे और जैसे कि आप लोगों ने देखा जस्ट फ्यू मिनट्स हमने जो है कार को ट्रेक किया है और आप देख सकते हैं ट्रेकर जो है ऑन है तो गाइस इस बार हमने जो है लोकेशन जो है एस के थ्रू हमने रिक्वेस्ट की थी और नेक्स्ट टाइम हम बिंक एप्लीकेशन की मदद से रियल टाइम ट्रेकर बनाएंगे फिर आप जो है रियल टाइम में किसी भी लोकेशन को ट्रेक कर पाएंगे सो so गाइज आज के लिए बस इतना ही एंड आई होप यू लाइक टू दिस एपिसोड लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स सी यू एंड नेक्स्ट एपिसोड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग